हाँ जी, हाँ हाँ जी कौन? जी, बाबा जी बोल रहे हैं, आपने कॉल किया था। अच्छा, बाबा अकरम खान जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी, बाबा अकरम खान बोल रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार बाबा जी। नमस्कार बेटा। बाबा जी, मैं जींद हरियाणा से बोल रहा हूँ, रवि। हाँ अच्छा जी, हरियाणा से बोल रहे हो, जी बाबा, क्या नाम है? रवि। हाँ रवि नाम है बाबा जी। रवि, आपने पहले भी फोन फोन किया था मेरे हिसाब से। हाँ, बाबा जी किया था फोन। हाँ तो बोलो। हाँ तो बाबा जी, तो मैं ना एड्रेस पूरा बताना पड़ेगा कि उसके हिसाब से, कि परिवार का बंदा है जैसे, हाँ बात नहीं मानता किसी भी परिवार में, तो वशीकरण का भी है क्या आपके पास? बिल्कुल बेटा, वशीकरण का ही काम करते हैं जैसे सबसे ज्यादा। अच्छा बाबा जी, तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा बाबा जी, उसके लिए? उसके लिए उनकी फोटो है क्या आपके पास? हाँ जी बाबा जी, उनकी फोटो, उनका नाम हाँ बाबा जी, और उनका एड्रेस, जी बाबा जी, उससे फिर ये, हो जाएगा काम हाँ बाबा जी फिर। हाँ ये सेंड करना पड़ेगा। और आपको भी अपना फोटो और हाँ जी बाबा अपना जी, नाम और अपना एड्रेस ये सेंड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है बाबा जी, नाम एड्रेस तो मैं बता देता हूँ उसका भी और अपना भी, और फोटो सेंड कर देता हूँ फिर आपको। हाँ ना, वो नाम भी सेंड करना पड़ेगा। हाँ, नाम भी सेंड कर देंगे फिर बाबा हाँ, जी। लेकिन मेरी बात सुनो, हाँ जी बाबा जी, इसके अंदर मैंने आपको पहले, आपने कॉल किया था तो मैंने आपको खर्चा नहीं बताया था? नहीं बाबा जी, मैंने कॉल किया था तो आपने उठाया नहीं था उस टाइम पे बाबा जी, अच्छा, मैंने उठाया कॉल तो उठाया नहीं था उस टाइम पे कॉल किया। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, हाँ इसके बाबा अंदर जी, जो खर्चा लगता है ना, वो 3500 रुपए का लगता है। कोई दिक्कत नहीं बाबा जी, खर्चे की कोई दिक्कत नहीं, बात ये है कि बंदा बात मानने लग जाए। हाँ मेरी बात सुनो, जी, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगा। ठीक है बाबा जी, और 3 घंटे का काम होता है, चौथे घंटे में तुम खुद खुश होगे, कॉल करोगे मुझे। अच्छा बाबा जी, हाँ और बाबा अकरम खान बोल रहा है तो आपको के बाबा जी, 5 बोल के 25 कभी खर्च नहीं करवाते हैं हमें, ठीक है बाबा जी, ठीक है ना? ठीक है बाबा जी, फिर काम तो हाँ, 100% हो जाएगा ना बाबा जी इसके अंदर सिर्फ 3500 रुपए खर्चे लगेगा। ना? खर्चे की तो कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए बाबा जी, ऐसे कहना, बंदा बात मानने लग जाए, बात नहीं मान रहा। ग्रांटेड अच्छा काम करते हैं बेटा, ग्रांटेड काम करते हैं। बाबा जी, नहीं आप कई बार फोटो बोलते वगैरह हैं कि ये सेंड लोग, करो। मैं कोई कोई लोग कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता, असली नहीं होते, ये है वो है। मेरी बात हाँ सुनो, जी, मैं पैसे का लालची नहीं हूं, पैसे सिर्फ सामग्री सामान वाले के पास जाते हैं। ठीक है बाबा जी, और मेरे पास क्या आता है? सामग्री सामान। ठीक है बाबा जी, जब तुम खुश हो जाओगे ना हाँ बाबा जी, और मुझे कुछ भी भेजोगे, वो ही मेरी फीस होगी। ठीक है बाबा जी, ये सिर्फ सामग्री सामान का खर्चा है, 3500 रुपये। ठीक है बाबा जी। बाबा जी, बंदे का नाम है नरेंद्र दास दामोदर मोदी, तो वो आपने व्हाट्सअप करना है। सुन लीजिए आप, बंदे का नाम है नरेंद्र मोदी, फिर कभी ये ना बोलना कि काम नहीं हुआ, 3500 की जगह 7000 रुपये ले लेना। नरेंद्र मोदी हाँ, एक महीने से अपने आंदोलन में, प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी, एक महीने से आंदोलन में बिठा रखा है, मैं किसान बोल रहा हूँ बाबा जी, हमारी बात नहीं सुन रहा वो, तू यार फालतू आदमी है फिर। फालतू आदमी क्या बाबा जी, आप ही बोल रहे हो कि वशीकरण हो जाएगा, हमने तो अपनी बात मनवानी है बाबा जी, हमारी मांगे मान लेगा वो आपके, उससे बेटा देख, मैं उनके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे को भी खुश रखते हैं। क्यों बाबा जी, उनके ऊपर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अच्छी बात ही करवा रहे, गलत तो नहीं काम नहीं करवा रहे, जनता की, इतनी जनता बैठी है पागल है ठंड में, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठी है, तो उसकी बात नहीं मान रहा वो। आप तो बैठे रहो, वो यार आपकी सुनेगा या पूरी दुनिया की सुनेगा? पूरे भारत को चला रहा है यार वो। किसानों की तो सुननी पड़ेगी बाबा जी, किसान चला रहे पूरे भारत को, सिर्फ वो क्या चला रहा है? तुम किसान ही हो क्या पूरे भारत में? हाँ जी, किसान ही है पूरे भारत में, है? 70% किसान है और पूरे कोई इंडिया में, इंसान नहीं है पूरे भारत में? 70% किसान है इंडिया में, यार झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ क्यों बोल रहा हूं? आपकी, इंसान बहुत बाबा जी, हैं आपकी पूरी थाली में, दुनिया में। आपकी थाली में रोटी तभी आती है जब हम लोग उगाते हैं, वरना नहीं आएगी कभी भी। हम तुम्हारे तुम्हारे
मतलब एक किसान से रोटी लेके नहीं गए, लेके आते हैं। तो किसान उगाता है तभी तो रोटी आती है आपकी थाली में, तभी तो अन्न पैदा होता है। हाँ तो यार तू ही उगाता है, तू उगाते हैं, उगाते क्यों नहीं ही उगाते, हम ही उगाता है, उगाते हैं। और कोई हाँ नहीं है। हाँ फिर सारे किसान ही उगाते हैं, किसान ही बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, उनकी सुननी चाहिए। इस करके ही आपके पास फोन किया था कि आप वशीकरण करो मोदी का। फालतू बात मत कर, मोदी का मैं वशीकरण नहीं कर सकता। मोदी का क्यों नहीं कर सकते, जब और किसी का करने के लिए आप बोल रहे हो तो मोदी का भी। मैं आपको फीस 7,000 रुपये दे दूंगा 3,500 की जगह पे। नहीं, मोदी का मैं नहीं कर चलो सकता, 10,000 देता हूँ क्योंकि बाबा जी, मोदी जी आप उसका मेरे कम भी कर। गुरु है। चलो बाबा जी, आप मुंह मांगी कीमत मांगिए, लेकिन उसका वशीकरण कर दीजिए। मोदी जी का मैं कभी भी वशीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी अपने पूरे भारत को चला रहा है। फिर पूरे भारत को चला रहा तो उसको जनता की सुननी चाहिए, जनता ने बिठाया उसको, जनता का नौकर है वो, जनता की सुन ही नहीं रहा। हाँ तो सुनेगा, थोड़े दिन रुक जाओ, तो कितने दिन रुके, 1 हफ्ते 37 दिन हो गए बाबा जी। थोड़े दिन रुको बेटा, थोड़े हाँ दिन देख लो, रुको। आप अगर उनका कर सकते हो तो ठीक है, नरेंद्र मोदी का करना पड़ेगा। नहीं, उनका नहीं कर सकता आपको 1 लाख रुपए देंगे, मैं, 1 लाख रुपया भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं ले सकता। चलो 2 करोड़ ले लेना फिर। मैं कह रहा हूं, मैं 5 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ भी नहीं, 20 करोड़ भी नहीं, कितना भी नहीं ले 100 करोड़ सकता। ले लेना फिर। अच्छा हाँ, कितना भी नहीं ले सकता मोदी जी के ऊपर। मतलब वशीकरण आपके बस का ही नहीं है फिर, मोदी का नहीं कर सकते तो किसी का नहीं कर सकते। अच्छा मोदी जी मेरे गुरु हैं, मोदी जी आपके गुरु है, मतलब आप लोग ये सारा सिस्टम चला रहे हो भगा भगा के, जनता को पागल बना रहे हो। मोदी जी मेरे गुरु हैं। हाँ ठीक है, बस का कुछ है नहीं, डाल देते हैं। मोदी का कर नहीं सकते फिर किसका कर सकते हो आप, किसी का भी नहीं होगा। ठीक हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, हम किसी का नहीं कर सकते। है।